हेलो गाइस, तो आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें काफ़ी टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि आप वन डे में देखेंगे या फाइव डे में देखेंगे तो यहाँ पे करीबन आप देख सकते हो 4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये गिरावट क्यों हो रही है स्टॉक में? देन काफ़ी टाइम से स्टॉक में गिरावट हो गई। वन मंथ का जो चार्ट पैटर्न वो भी रेड है। यहाँ पे अगर सिक्स मंथ की बात करते हैं तो हालांकि यहाँ पे 16% का रिटर्न दिया है। तो बेसिकली अगर जिसने यहाँ पे बाई किया होगा हाई पे, यहाँ पे आप देख सकते हो 320 के करीब, देन उसे अभी काफ़ी ज़्यादा लॉस देखना पड़ रहा। तो क्या स्टॉक जो है, आपको मतलब सिक्स मंथ का चार्ट पैटर्न देखोगे तो स्टॉक जो है 220 के करीब जा चुका था। देन क्या फिर से स्टॉक जो है 220 टच करेगा, या स्टॉक में ये टेम्परेरी गिरावट है, क्या है उसके पीछे की वजह क्या है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर लास्ट ईयर के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर 14% के आसपास रिटर्न दिया है। यानी यहाँ पे बात करते हैं हम फेरोटेक्स केमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसके बारे में आप देख सकते हो। साथ में इसकी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो स्टॉक ने 1137% के आसपास रिटर्न दिए हैं। यानी स्टॉक की गिरावट काफ़ी हुई, देन अभी मूव कर रहा है, तो इसके बाद अभी जो है हाल ही में थोड़ी गिरावट हुई। तो इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए, क्या और एड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बाई अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए, सारी बातें हम इसमें जो है क्लियर करेंगे। तो अगर आपने स्टॉक बाई कर लिया है, बाई करना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देनी है, ताकि ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो जो है आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बेसिकली ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, ये तो हर कोई जानता है। देन इसके बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ करके देखते हैं, क्या स्टॉक बाई करने के लायक है भी या नहीं है। वैसे तो केमिकल सेक्टर का कंपनी है, देन काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया इसका। अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो हमें अपसाइड देखने को मिला, हालांकि इसके बहुत ज़्यादा भागा हुआ था, थोड़ी बहुत गिरावट हुई, देन फिर से स्टेबल हुआ स्टॉक एंड ऊपर की तरफ जा रहा है अभी। तो अभी के टाइम पे हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस बिजनेस देख लेते हैं, क्या कंपनी बनाती है, क्या करती है, तो उसके बारे में फिर आगे डिस्कशन करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि करीब आज के दिन पे 3% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है बेसिकली। देन अगर हम इसकी बात करते हैं कि किस टाइप का इसका बिजनेस मॉडल है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो फर्टिलाइज़र, यहाँ पे आप देख सकते हो लेदर्स एंड यहाँ पे पेंट्स इंडस्ट्रीज़ में जो है ये सप्लायर करती है, तो उस टाइप का भी ये जो है केमिकल प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली यहाँ पे टेक्सटाइल वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी टाइप का ये केमिकल जो है प्रोवाइड करती है, देन उसी से इसका बिजनेस पूरा है। देन आगे हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। देन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, तो स्मॉल कैप कंपनी है, 3,233 करोड़ का स्टॉक का मार्केट कैप है। स्टॉक की बाउंड्री खाई की बात करते हैं तो 409 रुपये निकल के आता है। स्टॉक की पी की बात करते हैं तो 163 निकल के आती है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 36.6 निकल के आती है बुक वैल्यू की। यहाँ पे पीई की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 36.6 निकल के आती है। बुक वैल्यू 31.05 रुपये। डिविडेंड हील की बात करते हो 0.13% कंपनी डिविडेंड देती है। यानी ROCE की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी ROCE भी देखने को मिल जाती है 37.3% की। एंड ROE भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो 28.9% है। फेस वैल्यू यहाँ पर 2 रुपये देखने को मिल जाती है। बेसिकली चार्ट पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। देन अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि स्टॉक में क्या होना चाहिए, क्या स्टॉक और भी गिरेगा, कितना गिरेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से अभी थोड़ी गिरावट हो रही है, मार्केट गिरा हुआ है इसलिए स्टॉक में भी गिरावट हो रही है, पर ये स्टॉक ज़्यादा टाइम तक नहीं गिरेगा। देन ये स्टॉक के लिए काफ़ी इतना गिरावट हो गया, अब इससे ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस नहीं है। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 262 के करीब स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। देन अभी इस टाइम पर स्टॉक किस टाइम पर खड़ा हुआ है एंड मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टॉक जो है अगर गिरावट होती है यहाँ से और ज़्यादा, तो अभी ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो 296 रुपये। देन अभी ये स्टॉक कहाँ पे खड़ा हुआ है मैं आपको बता दूँ, 92 रुपये। देन अगर आप 96 रुपये से स्टॉक में गिरावट होती है तो स्टॉक आपको और थोड़ा नीचे जाता हुआ नज़र आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो 92 रुपये के करीब ये स्टॉक, ये देख सकते हो 288। देन अगर इससे नीचे जाता है तो आपको सीधा ये वाला लेवल 62-63-60 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर उससे नीचे गिरावट, वैसे तो यहाँ से इतनी ज़्यादा गिरावट होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी होती है अगर, तो उतने नीचे जा सकता है। देन यहाँ पर बात करते हैं अप्रोच की, तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। पिछले 5 साल में कंपनी ने 31% का अच्छा CAGR रिटर्न निकाल के दिया है। प्रमोटर्स ने लास्ट 3 ईयर्स में 6.5% के आसपास होल्डिंग कम की है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, सेल्स कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। देन नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं ईयर बाय ईयर बेसिस पर, तो सेल्स कंपनी के यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट कंपनी का ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है।
थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अगर इतनी जल्दी नहीं बोलूँगा तो वीडियो थोड़ा और बड़ी भी हो सकती है इसलिए। एंड यहाँ पे बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, CAGR रिटर्न भी काफ़ी अच्छी है, वहाँ की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, कर्जा कुछ है नहीं कंपनी के ऊपर, एंड टोटल एसेट कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। देखा जाए ओवरऑल तो पूरी तरह से कंपनी पॉजिटिविटी में है, पर फिर भी स्टॉक में अभी थोड़ी गिरावट हो रही है, तो डरने वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक जो है आगे जाएगा। देन अभी स्टॉक को एक 288 रुपये तक जा सकता है हालांकि, देन उसके बाद जो स्टॉक में एक मूव में देखने को मिल सकता है। देन यहाँ पर प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो 65% की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है जो कि अच्छी मानी जाती है, एंड FII की 0.71% एंड DII की बात करते हैं तो 3.65%, साथ में यहाँ पे पब्लिक भी यहाँ पे 30.62% के आसपास इन्वेस्टेड, तो काफ़ी अच्छे स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बाई कर सकते हो। बाकी ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो बाई करना चाहते हो तो एक बार अपनी रिसर्च खुद जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।